हेलो एवरीवन, दिस इज पवन शर्मा। लास्ट वीक क्या हुआ? लास्ट वीक सीडीएसएल, जो सेंट्रल डिपॉजिट सर्विस लिमिटेड है, जो भी आप स्टॉक्स बाय करते हैं, सेल करते हैं, जब आप बाय करते हैं उसको होल्ड करते हैं, तो सीडीएसएल आपके वोल्ट की तरह काम करता है। ज़ेरोधा, अपस्टॉक, ये सब जो हैं आपके ब्रोकर हैं, इंटरफेस हैं। आप यहाँ हैं, ब्रोकर आपके यहाँ है और सीडीएसएल आपका यहाँ है। मतलब ब्रोकर आपको डायरेक्टली सीरियल के साथ कनेक्ट नहीं करने देता, वो लोग उसके साथ इंटरफेस करते हैं और इसीलिए आपको ब्रोकरेज देनी पड़ती है। तो सीडीएसएल के सिस्टम से समवेयर क्लोज टू 4 करोड़ इंडियन इन्वेस्टर्स का डेटा लीक हो गया था, और जो उसमें लीक हुआ है वो केवाईसी डेटा था, जो आपके जो एजेंसीज जो केवाईसी करती हैं वो डेटा है। तो उसमें डेटा में क्या क्या होता है? हमारे पैन कार्ड, हमारे यूपीआईज, हमारे ईमेल आईडीज और भी बहुत सारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती हैं। ये रेक्टिफाई हो गया था विद इन 2 आवर्स, लेकिन इस रेक्टिफिकेशन के बाद में जिम्मेदारी हमारी है कि हमें अपने डेटा को आगे कैसे बचाना है। हम उसको कैसे बचाएंगे? अब हो सकता है कि आपको फोन आए, आपका ब्रोकर बन के कोई फोन करे, आपका बैंक बन के कोई फोन करे, आपको केवाईसी के लिए कोई फोन कर सकता है, कोई कॉर्पोरेट बन के आपको अच्छा ऑफर दे सकता है। आपको कभी भी किसी को यकीन नहीं करना है। मेरा ब्रोकर जो फर्स्ट ब्रोकर है वो लगभग 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं, आज तक उसने मुझे कभी फ़ोन नहीं किया। जो मेरे UPIs हैं, आज तक मुझे कभी भी किसी से भी कोई फ़ोन नहीं आया है कि मेरी UPI में प्रॉब्लम है। कभी भी मुझे मेरे ब्रोकर ने KYC के लिए मेल नहीं किया है। हाँ, हालांकि ब्रोकर्स के जो मैसेज आते हैं वो सिर्फ आपके इनकम टैक्स के लिए आते हैं कि आप इनकम टैक्स अपडेट कीजिए, उसके अलावा ब्रोकर हमें किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, कोई भी डेटा के लिए डिमांड नहीं करता है। आगे भी ऐसा ही चलता आएगा। तो अगर कोई आपसे डिमांड करता है आपके KYC के लिए, कोई अच्छा ऑफर दे के आपसे कोई आपके OTP की डिमांड करता है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपका ब्रोकर बन के कि आपका जो है डीमैट में प्रॉब्लम है, आप KYC करवा दीजिए, ये OTP मुझे बता दीजिए, आपको किसी भी OTP, किसी भी KYC को नहीं, अपने किसी को भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। कोई भी कॉर्पोरेट अगर बन के आपको फ़ोन करता है और आपसे कहता है कि मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है, आपको जो है ब्रोकरेजेस कम हो जाएंगी, ये हो जाएगी, मैं आपके एग्जिस्टिंग अकाउंट से भी ये करवा दूंगा, कुछ भी चीज़ जो भी आपको लगता है, आप किसी को भी एंटरटेन नहीं करेंगे। और कोई भी मेल जो आपके पास में आती है उसको, अगर वो आपके डायरेक्टली ब्रोकर से नहीं है, आपको सबके आपको पता ही कि जब आप ब्रोकर आपको मेल सेंड करता है तो उसका जो है एड्रेस क्या होता है, अगर सेम एड्रेस नहीं है लेकिन कोई इम्पर्सनेट कर रहा है उसी एड्रेस को, आपको उसको ओपन नहीं करना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोई भी OTP आपको फोन पे किसी को नहीं बताना है रिगार्डिंग योर डीमैट्स, रिगार्डिंग योर UPIs, और कोई भी KYC के लिए आप ट्रैप मत होइएगा, तो आपको कभी भी इस डेटा से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ये एडवाइस है साइबर सिक्योरिटी फर्म्स की, ताकि इस डेटा लीक से आप बच पाएंगे। जो गलती हुआ था उसको रेक्टिफाई किया जा चुका है, योर डीमैट्स एंड एवरीथिंग इज सेफ, लेकिन अब जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, तो एक्ट स्मार्ट एंड एक्ट वाइज।